दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 के ग्रैंड फिनाले को लेकर एक धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर सामने आ गई है। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप हैरान ही हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इंडियन आइडल का फिनाले कुछ ही दिनों में होने वाला है और इंडियन आइडल सीजन 12 अब सोनी टीवी पर कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया है। आपको बता दें कि शो के मेकर्स और इंडियन आइडल के जजेस के बीच हाल ही में फिनाले को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग की गई। और दोस्तों, जब हमारे रिपोर्टर ने शो के मेकर से इस मीटिंग के बारे में पूछा तो मेकर्स का कहना है कि ये पूरी मीटिंग शो के ग्रैंड फिनाले को लेकर की गई है। साथ ही साथ उनका कहना है कि हमने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। कौन से हैं वो बड़े फैसले, पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर आप पहली बार आए तो सबसे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि शो के मेकर्स ने हमारे रिपोर्टर से ग्रैंड फिनाले की मीटिंग को लेकर कौन कौन सी बड़ी बातें कही। सबसे पहले उनका कहना है कि इंडियन आइडल सीजन 12 एक ऐसा शो है जो पिछले 8 महीनों से चलता आ रहा है। ये एक ऐसा शो है जिसे पूरा परिवार शनिवार और रविवार एक साथ मिलकर देखता है। साथ ही साथ शो के मेकर्स का कहना है कि शो के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट पवनदीप और अर्निता कांजीलाल की ग्रैंड परफॉर्मेंस भी प्लान की गई है। वहीं विनर को लेकर एक बहुत बड़ा फेर बदल भी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मेकर्स का कहना है कि जहाँ हर बार सिर्फ एक ही विनर होता है, लेकिन इस बार मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के विनर घोषित करने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल में बराबर का कंपटीशन है और दोनों को लगभग हर बार सेम ही वोट मिल रहे हैं। ऐसे में मेकर्स के लिए पवनदीप और अरुणिता में से विनर चुनना काफी मुश्किल हो गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मेकर्स का ये फैसला सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने एक पोस्ट भी डाला है जहां पर आप अपनी राय जरूर दें। रियलिटी शो से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को।